गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट सेवन क्लास है ना, सेवन क्लास में संस्कृत में लास्ट मैंने टेंथ चैप्टर आपको कंप्लीट कराया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 11, सुभाष तारा। मतलब हमें शिक्षा देने वाले शिक्षाप्रद जो श्लोक होते हैं वो। तो इसमें चार श्लोक दिए गए हैं आपके, देखिए। मातृवर्त परदारशेषु परद्रव्येषु लो अष्टवत् आत्मतः सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः। देखिए, परदारेषु का अर्थ होता है पराई स्त्रियों में। लो अष्टवत माने मिट्टी के ढेले के समान, ठीक है। जो देखिए, मात्र व्रतम पराई, जो मात्र व्रतम माँ के समान, जो पराई स्त्री है, वो कैसी होती है, माँ के समान मानी जाती है। पर द्रव्येषु, जिस प्रकार से जो सोना है, अगर अपने पास अपना सोना नहीं है, दूसरे का पड़ा हुआ सोना अपने को मिल जाता है, तो वो किसके समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। आया आपको समझ में? देखिए एक बार और, जो पराई स्त्री है मतलब कोई भी अन्य अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने घर की पत्नी को छोड़कर जितनी भी स्त्रियां हैं, वो किसके समान है, मातृवत माता के समान है, ठीक है। जिस प्रकार से हमें कभी सोना, जो पराया सोना पराया धन मिल जाता है हमको, तो वो किसके समान माननी है, हम मिट्टी के समान, ठीक है। आया समझ में? आत्मनवत सर्वभूतेषु या पश्यन्ति सा पंडितः। आत्मवतम माने आत्मा से संबंधित ज्ञान, आत्मवतम जिसमें आत्मज्ञान है, जिसमें कैसा ज्ञान है, अपने आप को समझता है जो व्यक्ति, जिसमें आत्मज्ञान है, सर्वभूतेषु सभी जगह, या पश्यन्ति सा पंडितः सभी जगह वो किसके समान माना जाएगा, सभी जगह उसको पंडित के समान देखा जाएगा, ठीक है। जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान है, वो सभी जगह पंडित की तरह पूजा जाएगा या पंडित की तरह ही देखा जाएगा। जरूरी नहीं है उसकी जाति पाति का कोई वो नहीं है महत्व, जिस जगह पे भी वो बैठ जाएगा, जिस जगह पे भी वो अच्छे वचन बोलेगा, तो वहां वो पंडित के समान माना जाएगा। आगे आपको समझ में? नेक्स्ट है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नसात्युधम समो बंधुः कर्तव्यः याम नवसीदति। देखिए, जो मनुष्य के अंदर आलस है, जिस मनुष्य के अंदर आलस है, और वो उस शरीर वाला मनुष्य, जिसके पास आलस है, वो शरीर वाला मनुष्य महारिपुआ, वो महामूर्ख है। जिस मनुष्य के पास आलस है, महा आलसी मनुष्य है, तो वो कैसा है, महारिपु, रिपु माने मूर्ख होता है, महारिपुआ माने वो कैसा है, रिपु माने मूर्ख, रिपु माने शत्रु, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। उसके शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो गया, कौन हुआ, आलस। तो क्या बताया है इस वाले श्लोक में, ऊपर वाली लाइन में, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस है। ना साधु धमसो बंधुः कृतः न या नवसीदति। देखिए,
जब मनुष्य के पास, ठीक है, जब मनुष्य के पास दुख नहीं होता, दुख नहीं होता, मनुष्य कैसा रहता है? सुखी रहता है। और उस समय क्या रहता है? जब मनुष्य के पास सुख होता है, एक मिनट, देखो जब मनुष्य कैसा रहता है, बहुत सुखी रहता है ना, उसके पास कोई दुख नहीं रहता, तो सारे जो लोग होते हैं, जब जितने भी अपने बंधु रहते हैं, अपने सखा रहते हैं, उस समय वो उससे संबंध रखते हैं। और जब मनुष्य के पास दुख आ जाता है, दुखों में घिर जाता है, तो उसको सब अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्यमी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। उद्यमे माने मेहनत, उद्यम माने क्या होता है? मेहनत करना, कार्य करना। जब मनुष्य कार्य करता है तो उसी से ही वो अपने फल को, उसके मनोरथ को, जो वो चाहता है उस चीज को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगः। जिस प्रकार से सोया हुआ जो शेर है, उस अगर उसको भूख लगेगी तो उसको खाना खाने के लिए, उसको शिकार करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। पर अगर सोते हुए, कभी आपने देखा है कि सोता शेर सो रहा है और उसके मुंह में हिरण उसका जो खाना है वो अपने आप चला आता है? ऐसा नहीं होता, उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगी, आलस को त्याग कर उसको शिकार करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट है आपका दुर्जना परिहर्तव्या विद्वा अलंकृतो अपि सनम मरीना भूषितः सर्पः किम् असौ न भयंकरः। देखिए, दुर्जन मतलब दूसरा जो पराया व्यक्ति है, वो देखिए दुर्जन वो व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति है जो, मगर दुर्जन व्यक्ति है और विद्या से शोभित है, मगर उसके पास क्या है? विद्या है, उसके पास क्या है? विद्या से शोभित है, वो विद्यावान है। तो क्या है वो व्यक्ति? तो वो व्यक्ति धनवान है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सभी जाएंगे, है ना। जिस प्रकार से मणिना भूतिशा, जो मणि जो है, सर्प जो भयंकर वाला सर्प होता है, भयंकर वाला सांप होता है, उसके पास, उसी के पास मणि पाई जाती है। ठीक है, तो आया है समझ में? जो दुर्जन व्यक्ति होता है, अगर उसके पास विद्या है तो उसी के, उसके पास, दुर्जन कितना भी बुरा व्यक्ति होगा तो उसके पास हम जाएंगे, दूसरा व्यक्ति उसके पास विद्या ग्रहण करने के लिए जाएगा, है ना, जाने की कोशिश तो करेगा पर वो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वो दुर्जन है, बेकार व्यक्ति है। इसी जिस प्रकार से बस दूर से देखता रहेगा, जिस प्रकार से जो सर्प होता है, वो सांप के पास क्या होती है? मणि होती है, मणिधारी होता है, मणि रहती है। तो ऐसे जो भयंकर सांप है, भयंकर सर्प है, विषधारी, तो उसके पास ही मणि पाई जाती है, पर उसके पास सब लोग जाने से कतराते हैं। तो आगे आपको ये वाला चैप्टर समझ में, 11 चैप्टर, आप इसका वीडियो देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो दफे देखोगे, इसका PDF में जल्दी आपको WhatsApp पे सेंड करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।